Okay, so in this video we are going to learn about a function called the plot function. So data analysis mein data visualization is very very important, because kabhi kabhi jo cheez directly nahi dikh rahi hoti hai wo graphs ke through easily dikh jati hai, right? So although humne abhi tak koi bhi data visualization library ke bare mein padhai nahi kiya hai, like there are multiple libraries that we'll study. So there is matplotlib, there is seaborn, then we'll also study tableau, plotly, dash. But since is point pe hamare paas aisa koi bhi knowledge nahi hai, agar is point pe tumko graphs plot karne hain to bhi pandas tumko wo option deta hai by providing you this plot function. Okay, so plot function is a function jisko use karke you can स्केच और ड्रॉ मल्टीपल काइंड ऑफ ग्राफ्स. जैसे ये उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, एंड ओवर हेयर यू कैन सी कि उसके एक पैरामीटर विच इज काइंड, उसमें तुम अलग अलग वैल्यू दे सकते हो, जैसे लाइन बार, हॉरिजॉन्टल बार, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन, एरिया प्लॉट, पाई चार्ट, स्कैटर प्लॉट. सो यू गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन साइड दिस प्लॉट मेथड. Obviously सारे केसेस कैप्चर नहीं कर पाता, बिकॉज इट्स नॉट स्पेसिफिकली डिजाइंड टू हैंडल एवरी थिंग आउट देयर, बट बहुत जगह पे काम आ जाता है. सो लेट मी शो यू सम सिनेरियोस जहाँ पे मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ पैंडास का प्लॉट फंक्शन यूज करना. ठीक है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में वैल्यू काउंट्स यूज करके ये निकाला था कि हर टीम ने कितने मैच जीते, राइट? नाउ what if I want to plot a bar chart? So if you know what a bar chart is, bar chart में तुम दो तरीके का information convey करते हो. तुम्हारे x axis पे कोई categorical variable होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर देखो हर team can be a category, और y axis पे तुम generally count बताते हो कि उस particular categorical variable का count कितना है. जैसे इस case में मुंबई इंडियंस का काउंट कितना है, चेन्नई सुपर किंग्स का काउंट कितना है, राइट? सो हम क्या करेंगे, ये सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम बार चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो. इट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू राइट डेटा, हमारे कॉलम का नाम, एंड देन यू प्रोवाइड द वैल्यू काउंट्स, राइट? एंड दिस वैल्यू काउंट्स विल गिव यू द सेम आउटपुट जो तुम्हारे ऊपर स्क्रीन पे था. अब जैसे ये सीरीज आ गया, दिस एंटायर थिंग इज अ सीरीज, राइट? मतलब ये मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, ये इंडेक्स हो गया 92, 79, 77, ये वैल्यूज हो गए, राइट? तुम कभी भी सीरीज के ऊपर प्लॉट फंक्शन को कॉल करोगे, और अगर तुम काइंड में बार प्रोवाइड कर दो, और ये करने के पहले तुमको एक काम और करना पड़ेगा कि तुमको इंपोर्ट करना पड़ेगा ये स्टेटमेंट, अदरवाइज तुम्हारा ग्राफ क्रिएट होगा बट स्क्रीन पे नहीं आएगा. दिस लाइन यू हैव टू राइट, एंड आफ्टर दैट इफ यू रन दिस लाइन यू विल सी दैट ऑन योर स्क्रीन यू हैव गॉट अ नाइस लुकिंग बार चार्ट, राइट? सो दैट्स हाउ आई प्रेफर टू यूज इट. अब इसमें तुम वेरिएशंस ला सकते थे, व्हाट इफ तुमको सिर्फ टॉप फाइव टीम्स का ही चाहिए होता, इन दैट केस क्या करते तुम कि ये तुम्हारा वैल्यू काउंट्स है, इसमें मुझे टॉप फाइव टीम्स ही चाहिए, तो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा हेड, तो ऑटोमेटिकली टॉप फाइव टीम्स आ जाएंगे, ये रही, और इसके ऊपर मैं लगा दूंगा प्लॉट काइंड इक्वल्स बार, और अब हमारे यहाँ पे दो डॉट्स आ गए. सो इसको हटाने के बाद नाउ यू कैन सी कि वी हैव गॉट अ नाइस लुकिंग बार चार्ट जहां पे हमारे पास टॉप पांच टीम्स हैं इन टर्म्स ऑफ मैचेस कितने जीते हैं. बार चार्ट का ही एक और क्लोज चीज होता है हॉरिजॉन्टल बार, वहां पे कुछ होता नहीं है डिफरेंस, बस कैटेगोरिकल वेरिएबल मूव करके वाई एक्सिस पे चला जाता है और चार्ट ऐसे दिखता है, दैट्स द डिफरेंस. सो अगेन बस रीडेबिलिटी एस्पेक्ट में डिफरेंस है, अदरवाइज और कोई डिफरेंस नहीं है. कुछ लोग वर्टिकल बार चार्ट्स प्रेफर करते हैं, कुछ लोग हॉरिजॉन्टल बार चार्ट्स प्रेफर करते हैं, प्लॉट तुमको दोनों ऑप्शंस दे रहे हैं. ठीक है, मैं एक और शो करता हूँ तुमको, पाई चार्ट, राइट? सो इफ यू कैन सी हमारे पास एक कॉलम है बाय द नेम ऑफ टॉस डिसीजन, राइट?
और टॉस डिसीजन में बेसिकली वैल्यूज जो स्टोर्ड है वो ये बता रही है कि टॉस जीतने के बाद उस टीम ने बैटिंग करने का डिसीजन लिया या फील्डिंग करने का डिसीजन लिया, राइट? सो अगर मैं नीचे जाऊं और यहां पे मैं लिखूं डेटा टॉस डिसीजन और इसके ऊपर अगर मैं वैल्यू काउंट्स लगा दूं तो दिस शुड गिव मी अ सीरीज जिसमें दो वैल्यू और इंडेक्स पेयर्स हैं. सो अपेरेंटली 636 मैचेस में 363 टाइम्स टीम्स ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का डिसीजन लिया और 273 टाइम्स टॉस जीत के बैटिंग करने का डिसीजन लिया. सो अगेन ये जो तुम्हारे स्क्रीन पे है दिस इज अगेन अ पैंडा सीरीज, राइट? अगेन हम इसके ऊपर क्या करेंगे, अब विल राइट प्लॉट काइंड इक्वल्स बार, नॉट बार दिस टाइम, ऑब्वियसली दिस टाइम दिस शुड बी पाई, पाई एज इन पाई चार्ट. शिफ्ट एंटर एंड ये देखो तुम्हारे स्क्रीन पे एक पाई चार्ट है, ठीक है? सो आई विल शो यू वन लास्ट विजुअलाइजेशन दैट इज अ हिस्टोग्राम, ठीक है? और उसके बाद तुम खुद जाकर के इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, ठीक है? सो इफ यू रिमेंबर हमारे पास एक और कॉलम है और उस कॉलम का नाम है विन बाय रन्स, राइट? और ऑब्वियसली यू कैन सी कि जैसे टॉस डिसीजन वॉज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल या कैटेगोरिकल कॉलम बिकॉज इसमें दो ही टाइप की वैल्यूज थी. विन बाय रन्स इज अ न्यूमेरिकल कॉलम या न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, राइट? 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है. तो हम क्या करने वाले हैं, हम उस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे. सो हिस्टोग्राम क्या होता है, अगर पहले पढ़ा होगा तो हिस्टोग्राम यूज किया जाता है न्यूमेरिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट? सो व्हाट यू डू इज तुम बिन्स क्रिएट कर देते हो, लाइक इंटरवल्स क्रिएट कर देते हो. 0 से 10 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं, 10 to 20 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं, 20 to 30 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं. सो जो काम बार चार्ट कर रहा है कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए, सेम उसी तरीके का काम तुम्हारा न्यूमेरिकल वेरिएबल के लिए करता है हिस्टोग्राम, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डेटा और आई गेस द नेम इज विन बाय रन्स और इसके ऊपर हम सीधे चला देंगे प्लॉट और हम इस बार काइंड रखेंगे हिस्ट एज इन हिस्टोग्राम और शिफ्ट एंटर मारा और ये देखो ये रहा हमारे स्क्रीन पे हिस्टोग्राम. सो यू कैन टोटली सी कि सबसे ज्यादा मैचेस इस रेंज में लाई कर रहे हैं, 0 to 15 रेंज में, राइट? उससे कम आई गेस 25 to 35 एंड 35 to 45 में उससे कम और यहाँ पे एंड में जा करके बहुत कम मैचेस हो रहे हैं, राइट? सो यू कैन सी कि ऑब्वियसली ये लॉजिकल भी है कि तुम्हारे ज़्यादातर मैचेस में विन मार्जिन इज स्मॉलर और कम मैचेस में विन मार्जिन इज लार्जर, ठीक है? सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू दिस फंक्शन सो दैट यू कैन यूटिलाइज द पावर ऑफ दिस फंक्शन. सो आगे से कभी भी तुम किसी एनालिसिस को सॉल्व कर रहे हो, ट्राई टू प्लॉट अ ग्राफ एज वेल. सो दैट दैट विल गिव यू सम एडेड इंसाइट्स, ओके? दैट्स अ नाइस वे ऑफ डूइंग डेटा एनालिसिस. सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय.